साइबर क्राइम विंग एक बड़ा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ये फ्रॉड गैंग को पकड़ा। इसमें ये इंटरनेशनल जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है यूके के, फिर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के, उनको डूप करके, फ्रॉड करके उनका सीवीवी नंबर्स और उनका एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड और कार्ड के नंबर्स लेके ये इलीगल ट्रांसैक्शंस हैदराबाद में और दिल्ली में करके ये बड़ा फ्रॉड किया। अभी तक तो अबाउट 7 पीपल को अरेस्ट किए। एक कॉल सेंटर भी इन लोग चला रहे थे मोहाली में, फिर गाज़ियाबाद में और उत्तम नगर में। तो इनको आवर ऑफिसर्स अरेस्ट किए और यहाँ जो हैदराबाद में 3 लोगों को पकड़े, वो वेबसाइट्स डेवलप करके, वो वेबसाइट्स को वो पेमेंट जो गेटवे है वो लिंक करके, वो ट्रांसैक्शंस करने के बाद वो पैसा जो है इनके बैंक अकाउंट्स में आ रहा। उसके बाद में ये कमीशन लेके वो दिल्ली में जो नवीन है और मोहित है उनको भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा केस है। लास्ट 3 इयर्स से ये फेक कॉल सेंटर चला रहे हैं। तो हमारे ऑफिसर्स जो है सतीश, श्रीधर, श्रीनिवास और राजेंद्र और उनके टीम जाके बहुत अच्छा तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करके केस पकड़े। इसमें अभी तक तो अबाउट 50 करोड़ तक फ्रॉड किए बोल के मालूम हो रहा है, बट हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सर अपने पास कितना रिकवरी हुआ था और क्या क्या रिकवरी? अभी तक तो अबाउट 1.1 करोड़ तक रिकवर हुआ और 4 व्हीकल्स, फिर लैपटॉप्स, रबर स्टैम्प्स और ये CPUs एंड डेस्कटॉप्स भी रिकवर किया गया। सर ये NRIs को टारगेट करते हैं? ये NRIs को टारगेट करते हैं। ये जब भी वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में रहें दो, सिंगापुर में रहें दो, यूके में रहें दो, वहाँ जो रात होता है ना, जब सोते रहते हैं इन लोग ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड यहाँ करके, बाय द टाइम वो जाग जाते हैं ये सब पैसा यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं, बट हमें कुछ लग रहा है कि बाहर भी थोड़े लोग इसमें शामिल है बोल के मालूम हो रहा है। सर ये धोखा देने वाले लोगों से बचने के लिए पब्लिक को कोई आप पैगाम देंगे? पब्लिक को यही हम पैगाम देंगे कि ये जो टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर्स हर कोई लेके कॉल सेंटर्स रन कर रहा है। पहले आप मालूम कर लेना चाहिए कि ये टोल फ्री नंबर ऑथेंटिक हो, जेन्यून हो। फिर जब भी आप कोई पूछे आपको क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स है, वो किसी को आप शेयर नहीं करना चाहिए। और जब भी आप क्योंकि बैंक भी कभी आपको पिन नंबर, OTP नंबर या क्रेडिट कार्ड का नंबर कभी नहीं पूछेगा वो, तो ये शेयर मत करना बोल के यही पैगाम है।